दो पक्षों में भूमि विवाद को लेकर मारपीट। 24 डिसमिल जमीन का है विवाद। 15,000 रुपए के साथ पॉस मशीन लूट का आरोप। दोनों ओर से थाने में आवेदन देकर लगाया न्याय की गुहार। पूर्णिया के नगर थाना क्षेत्र के गणेशपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 16 में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गया। बताया जा रहा है कि वार्ड संख्या 16 निवासी स्वर्ग जामुन साह के पुत्र दिलीप कुमार साह, जो जन वितरण प्रणाली केंद्र संचालक हैं, उनके साथ भूमि विवाद में मारपीट की घटना हुई है। दिलीप कुमार साह ने मीडिया को बताया कि वो अपने आपस पर बने जन वितरण की दुकान पर सुबह 10:30 बजे बीपीएल कार्ड धारियों के बीच खाद्यान्न का वितरण कर रहे थे। इसी बीच भूमि विवाद को लेकर पड़ोस के ही मीरा देवी, पति मोहन साह, उमेश प्रसाद साह उर्फ मुकेश साह, पिता मोहन साह, सिंटू कुमार साह, पिता मोहन साह मिलकर मेरे जन वितरण की दुकान पर आए और गाली गलौज करने लगे। जब मना किए तो सभी लाठी डंडों से हमला कर मारपीट करने लगे। इस मारपीट में मेरे शरीर पर काफी चोट लगी है। इसी दौरान मेरे पॉकेट को फाड़ कर 15,000 रुपए व गले से देर भरी सोने की हार के साथ जन वितरण केंद्र के लिए प्रयोग किए जाने वाले पॉस मशीन भी लूट लिए। जाते जाते उमेश प्रसाद साह ने गोली मारने की धमकी भी दिया है। वहीं अरुण कुमार गुप्ता ने कहा कि मेरे पिता ने 40 साल पूर्व जामुन साह से खाता संख्या 128 केसरा संख्या 4965 रकवा 24 डिसमिल जमीन का खरीद किए थे, जिसका सारा भुगतान कर दिया गया था, मगर केवाला नहीं हो सका था। अब जामुन साह जीवित नहीं है तो उनके बारिसेन में मोहन साह को छोड़कर सभी लिखने को तैयार है। उक्त भूमि के बगल में 21 डिसमिल जमीन मेरे नाम से केवाला है। उस जमीन को भी उमेश साह व अन्य ने जोत लिया है। दूसरी ओर मोहन साह की पत्नी मीरा देवी ने कहा कि इस 24 डिसमिल जमीन का जोत आवाज बरसों से करते आ रहे हैं। उसी पर मूंग का फसल लगाए हैं। इसी मूंग के खेत में दिलीप साह के साथ मीना देवी, पति दिलीप साह, नवीन कुमार साह, पिता दिलीप साह, प्रियंका देवी, मोहम्मद खुर्शेद, पिता स्वर्ग मोहम्मद खुट्टर और मोहम्मद खुर्शेद की पत्नी मिलकर मेरे द्वारा लगाए गए मूंग के फसल को काट रहे थे, जिसे रोकने में अपनी बहू नीलम देवी के साथ गई तो सभी मिलकर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। जब हल्ला हुआ तो दिलीप साह खेत से भागने लगे। भागने में हड़बड़ा कर खेत में गिर गए, जिससे उन्हें चोट आई है। हम लोग मारपीट नहीं किए हैं। अरुण कुमार गुप्ता के आरोपों पर कहा कि उनके पिताजी जितना रुपया दिए थे उतने का जमीन ससुर जी जामुन साह ने जीवित रहते ही लिख चुके हैं। वे लोग उससे अतिरिक्त भी जमीन लेना चाहते हैं। हम लोग नहीं देंगे। साथ ही इस 24 डिसमिल जमीन के साथ अन्य जमीन पर मेरे द्वारा 3 साल पहले टाइटल मुकदमा संख्या 77/2020 किया गया है। उसका निर्णय आने के बाद ही जमीन का बंटवारा हो पाएगा। जब से टाइटल किए हैं तब से दिलीप साह के द्वारा झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। इससे पूर्व भी हम लोगों पर लूट का केस किया गया था। बहरहाल भूमि विवाद में मारपीट के बाद जन वितरण प्रणाली केंद्र संचालक दिलीप साह द्वारा के नगर थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय का गुहार लगाया गया है। तो मीरा देवी द्वारा भी लिखित आवेदन दिया गया है। वहीं थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि भूमि विवाद में मारपीट को लेकर आवेदन मिला है, जिसकी जांच शुरू कर दिया गया है। आइए देखते हैं इस खबर में। हमला ये था कि जमीनी विवाद चल रहा था। किन से? मेरा भाई से। और उसमें जो है कि वो जबरदस्ती जो है हमारा बाबूजी जो जमीन बेच दिए हैं वो जमीन जाके 24 डिसमिल वो जबरदस्ती जोत लिया है। उसी में वो जबरदस्ती मूंग बुन दिया है। वही कब जोता था जमीन? ये लगभग हो गया एक महीना लगभग हो गया। तो ये जमीन पहले से आपके कब्जे में? नहीं, इनके कब्जे में है। अच्छा। तो उसमें जो है कि बाबूजी हमारा पैसा ले लिए हैं, बाबूजी मेरा पैसा ले लिए हैं, तो जमीन तो ऑलरेडी इनका है, रजिस्ट्री ही नहीं किए। यानी आपके बाबूजी किन्हीं के पास जमीन बेच दी? हाँ, बेच दिया है। आप जमींदार के वारिस हैं? हाँ, उनका कहना है कि हम नहीं देंगे उनको जमीन। और मेरा कहना है कि मेरा बाबूजी पैसा अगर ले लिए हैं तो उनको ऑलरेडी उसको रजिस्ट्री कर दिया जाए।
अच्छा, इसी बात को लेकर हाँ इसी बात को वो जबरदस्ती जोत लिया है, मूंग भी बुन दिया है, वो दबंग है अपना। जब भी वो पंचायत में आता है तो समूचा परिवार ले के आता है, मार करने का धमकी देता है कि तुम मादर चो तो जो बोलोगे तो तुमको गोली से उड़ा देंगे, ऐसे बोलता है। पूर्व में भी केस चल रहा है मेरा बहन का, वही जमीनी विवाद का है, जो कि वहाँ भी पुलिस के सामने हमको गोली मारने के लिए थी किया है। आज क्या हुआ? आज जो है कि हम वहाँ से आया, मूंग देख के कोई लेबर जो है कि उसका घास काट रहा था, वो हमारा नाम कहा कि वही हमको ऑर्डर दिया है, घास काट लिया। तो हम वही कहे कि हमसे कोई बातचीत नहीं है, वो उधर से आया और जाके दुकान पर हमारा मतलब तू मैं होने के क्रम में जो है कि मशीन भी ले चला गया और गला का चैन जो था वो छीन लिया और जो है कि वहीं से हमको घसीटते हुए लेके चला गया वह अपना घर, दुकाने पर से घसीटते हुए ले गया। कौन कौन था? वो उमेश प्रसाद शाह और जो है कि सेंटू कुमार और मीरा देवी, ये तीनों आपके साथ? हाँ, मारपीट भी किया? हाँ, मारपीट किया है पूरा एकदम, देखते हैं कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया है और जो कि इसमें 10 लाठी से ऊपर मारा है, हमको गिरा दिया था गोबर के ढेरी पर ले जाके घिसते हुए, उसके बाद मारपीट हुआ, उसके बाद मारपीट किया घर से मेरा, घर घुस के लूटा है? हाँ, घर घुस के लूटा है और गला में चैन था डेढ़ भर का, वो भी ले चला गया। धमकी भी मिला? हाँ, धमकी मिला है। क्या धमकी? कि गोली मार देंगे तुमको। कौन दिया धमकी? दोनों भाई, उमेश शाह और सेंटू कुमार, वो कहता है मेरा पुलिस जो है मुट्ठी में है, उसको लेकर थाना में आवेदन दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उचित कार्रवाई हो, न्याय मिले, न्याय मिले हमको। क्या परिचय है? दिलीप कुमार शाह, घर गणेशपुर, वार्ड नंबर 16। इन जो है मेरे पिताजी, इनके पिताजी मतलब दादाजी से जामुन साहब से लिए हुए थे आज से मोटा मोटी 40-50 साल पहले। कितना जमीन है, क्या पता? मतलब 24 डिसमिल जमीन है। पता किस तरह पता है? 128 है खाता, 49-65 है खेसरा। इनके पिताजी से आपके पिताजी लिए थे 40 साल पहले, आधा और 21.5 डिसमिल मेरे नाम से रजिस्ट्री है और मेरा केवाला के, और 40 साल से मैं वो खेत पे जो अब मेरे अधीन में था, मैं जोत रहा था, मैं उसका उपजाऊ खा रहा था, लेकिन लिखा हुआ नहीं था उपजाऊ खा रहा था। तो इधर एक महीना पहले वो आके जबरदस्ती जोत दिया कि तुम पैसा दिया गया तो हम नहीं मानेंगे, तुम फरिया लो। हम उस जमीन में एक हिस्सेदार वो दिया? हाँ, एक हिस्सा 1/6 वही किया है, मतलब वो टाइटल किया हुआ है 1/6। तो एक कट्ठा एक शेयर का मालिक है, एक कट्ठा का मालिक होगा कि मेरा केवाला का भी जमीन जोत लिया है, मेरा केवाला का भी जमीन जोत लिया 24 डिसमिल जमीन। वो जमीन देने के लिए इच्छुक नहीं है तो वो अपना जो हिस्सा है वही रोकेगा ना, जो अपना अगर नहीं है इच्छुक तो वो अपना हिस्सा ही रोकेगा कि पूरा रोक लेगा, मेरा केवाला का भी जमीन जोत लिया है। तो अब आज क्या हुआ था? आज तो हम नहीं थे, हम गए थे, लेकिन चाचा के वहाँ था कि गाली गलौज करते हुए आया, बोला सब काम तुम ही करवाया है, मेरे डीलर चाचा हैं, छोटे दादा के बेटे हैं, उसी को आया जन वितरण प्रणाली पे वो बैठे हुए थे, उससे मारपीट करने लगे। बाद में आपको सूचना मिला तब हम गए, हम नहीं थे। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उचित कार्रवाई हो और जो मेरा खेत जो जोता है जबरदस्ती कर लिया है उस पर उचित कार्रवाई हो। क्या नाम है? अरुण कुमार गुप्ता, घर गणेशपुर। मामला ये है कि दिलीप डीलर जो है गांव का दबंग है, पैसा वाला है और इसमें ये ज़मीन पे हम टाइटल भी आज से 4 साल पहले कर चुके हैं, 4-5 साल के बीच में, और मेरा कामत वाला भी ज़मीन था उसमें भी हम 4-5 साल पहले कर चुके हैं टाइटल, और मेरा ये ज़मीन तो मेरे को बहुत था, लगभग 17-18 बीघा ज़मीन था, ये सारा ज़मीन बेच बेच के मेरे बाबूजी बीमार रहते हैं, सारा जमीन बेच बेच के ये अपना वास्तु विहार में खरीद लिया, घड़ाड़ी मोड़ पे खरीद लिया, और उसके बाद जो है जब टाइटल किए तो पुलिस लेके पहुंच गया वहाँ खाली करवाने के लिए ज़मीन, तो हम दरोगा जी को बोले कि ये ज़मीन पे मैं टाइटल कर चुका हूँ, तो दरोगा जी चल गए। उसके बाद हमारे ऊपर झूठा केस कर चुके हैं एक बार पहले भी, लूटपाट का, छीन छोर का, और रंगबाजी मांग रहा है, गोली मारने का धमकी दे रहा है, पहले भी एक बार कर चुका है मेरे ऊपर केस, झूठा केस। और ये ज़मीन जो है ये 24 डिसमिल ज़मीन है जिसमें कि मेरा भी शेयर है और इसमें भी मेरा टाइटल चल रहा है, और ये ज़मीन पे मैं मूंग बुने हुए हैं और ये ज़मीन पे डीलर खुद खड़ा होके मेरा मूंग कटवा रहे थे घसवा से, और वही आके मेरे मम्मी मेरी वाइफ आके बोली कि मूंग काहे कटवाते हैं, हम लोग घर में नहीं थे,
कहने कटवा रहे हैं मूंग, काहे कटवा रहे हैं? तो बोला कि तुम्हारा बाप का है। तो मेरी माँ को, मेरी वाइफ को धक्का धुक्की दिया, तो दोनों में पूरा हत्था बढ़िया चला। और उसमें हम कामत पे थे, जब आए हमको पता चला, तब तक जो है वो भागते भागते हम लोग आए तो भागने लगा, तो वही खेत में गिर गया। गिर गया तो उसको कोई मारदार नहीं लगा है, ये सरासर झूठ है। इसका जो अरुण जी हैं जो जमीन कह रहे हैं कि जी 40 साल पहले जो है दिए हैं इसको, जो जितना को दादाजी दिए, दादाजी जीवित में दिए थे, तो जमीन मिला है जितना उसका दादाजी पैसा लिए उतना उसको लिख दिए हैं। हमको ये भी जमीन चाहिए, दादाजी उसका पैसा लिए थे 5 कट्ठा, उसको लिख दिए। बाकी जो शेष जमीन है वो तो मेरा है, मेरा कागज है तो मेरा जमीन है। कह रहे हैं कि हम ये जमीन, दिलीप जो डीलर साहब हैं जी, वो कह रहे हैं कि हम ये जमीन देना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं देना चाह रहे हैं। इसलिए बात हो रहा है, वो साइड से पैसा लिया होगा, मेरा भी पैसा हमको मिलेगा ना, तब ना हम लिखेंगे। तो ठीक है, उसमें 6 हिस्सा में 1 हिस्सा, इससे पहले भी पंचायती बैठा, पंचायती में 1 हिस्सा मिलेगा टाइटल क्लियर होने के बाद ही। टाइटल जब तक क्लियर नहीं होगा तो कोई लिख सकता है, कोई पार्टी नहीं लिख सकता है। जब तक टाइटल क्लियर नहीं होता आप लोग नहीं देंगे? नहीं, टाइटल हम खुद किए हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं? कानून के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। आरोप लगा है कि आप लोग उसका घर पे गए, जन वितरण प्रणाली जी नहीं, ये झूठा आरोप है। ये खेत में सर लूटे हैं, पैक्स मशीन जी नहीं, पॉक्स मशीन लेके गायब कर दिए हैं जी नहीं। हम लोग खुद यही प्लॉट, हम लोग थे ही नहीं, भाभी आई, मेरी माँ थी, मेरी वाइफ थी, मारपीट किया उसके साथ में, धक्का धुक्की किया, ब्लाउज सलोज फट गया है। वो खेत की घटना है, वो उसका कोई घर पे नहीं गया। ये सारा देख लीजिए, फसल के सामने में है। डीलर साहब ये भी आरोप लगाया है कि उसको खींच के ले जाके गोबर पे पटक के जी नहीं, नहीं जी नहीं, ये सारा सर गलत है। वहाँ झगड़ा हुआ, आप लोग थाना में आवेदन दिए हैं अभी तक? नहीं, हम जा रहे हैं थाना आवेदन देने के लिए। क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं? न्याय मिले, उचित न्याय मिले, पुलिस प्रशासन से निवेदन है उचित न्यायालय मिले। सामाजिक स्तर पर भी बैठक हुआ था? बैठक हुआ था, वो पंचायती नहीं माना, सारा पंच उसको बोला पैसा देने की बात थी, 1.5 लाख टका उनको 1 हिस्सा का दे दो। ये खुद बोला कि हम 5 हिस्सा का हम मालिक हैं, तो वही धौंस दे रहा है, धौंस दे रहा है कि हम 5 हिस्सा का हम मालिक है, 1 हिस्सा उसको छोड़ दो। लाठी के बल पे वो क्या करेगा? वो कोटा करता है, चौर गहूँ सबको दिया, सबको खिलाता है, सब उसको सपोर्ट करता है, लाठी बल सब सारा चीज़ उसके हाथ में। मारने का धमकी जी नहीं, ये सब कहीं हम लोग प्रशासनिक विभाग में रहते हैं, प्रशासनिक विभाग में रहते हैं, इस चीज़ का भी धमकी दी है? जी नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम कानून के इससे पहले भी वो मेरे साथ कई वो केस कर चुका है, झूठा केस। यातायात में आप रहते हैं तो आप बोले हैं कि मैं देख ले? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम क्यों बदनाम करेंगे, हम काहे बदनाम करेंगे? नाम आपका? मेरा नाम उमेश प्रसाद साह, हम रहते हैं, प्राइवेट ड्राइवर हैं, हम कहते हैं, ये नहीं है हम नहीं रहते हैं। आरोप जो लगा, लेकिन सारा आरोप जो गलत, हाँ, ये बदनामी करने के लिए हमको साजिश करके फंसाना चाह रहा है कि जो है थाना का झूठ फूट का नाम बदनाम कर रहा है। कोनो मतलब हम लोग प्राइवेट से रहते हैं। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम उमेश प्रसाद साह, गणेशपुर वार्ड नंबर 16 सबेरे। हम इधर से जा रहे थे, हमको नहीं पता था मूंग काट रहा था, हम जाते थे उधर देखने तो देखे तो मूंग काट रहा था, हम गए थे, हम बोलते हैं उसको कि काहे मूंग काट रहा है हमारा, तो हाँ काटेंगे हम मूंग, हमको डीलर ऑर्डर दिया है मूंग काटने, हम काटेंगे मूंग। हम कहे काहे हम बुने, हम हमारे पास में हम उस खेत में 4 साल से टाइटल करे हैं, केस चल रहा है, टाइटल केस है, 107 रंगदारी चल रहा है, इस पर ढेरी केस है, आप लोग काहे मूंग काटते हैं? इतने ठो बात बोले, उधर से डीलर आया, खेत हम डीलर था ठहरा बगल में, उधर से आके हमको लटक दिया, मारने पीटने देखते हैं सब सो चुरी चुरी फोर दिया है, गला में था थोड़ा एक सिक्री थी कहने का, वो भी भिज लिया लट पट कर। उसका बाद हम चिकरने लगा तो वो औरत भाग गया उधर, बोरा एक छोड़ कर तो लोग पहले भाग गया, तो बोरा हम छीन कर ला लिए कि सब रखेंगे, तो इसलिए हम चिल्लाने लगा तो हमारा पुथो गया, इसको भी लटक दिया। कौन काट रहा था? कुर्सेद का कन्या काट रहा था। कहाँ का है वो? तो महमदन टोला था, यही बगल का। तो उससे जब पूछे तो किसका नाम बताया? वो बोला कि हाँ कि हमको डीलर ऑर्डर दिया है और दो ठो है अरुण है। ये मूंग किसका है? हाँ, ये मूंग हमारा है। आप लगाए? हाँ, हम शुरू से खेत कर रहे हैं, हम लगाए हैं मूंग। तो वो क्यों काटने का ऑर्डर दिया? बुझिए ना, हमारा बाप का है, तुम्हारा बाप का कुछ नहीं है, ऐसे कर के सब तो बाद में जमीन था सब बेच के। आप लोगों के साथ मारपीट भी किया? हाँ। कौन किया? वो डीलर किया। किस चीज से मारा? गया वो जो औरत था ये तो वो भी लटक गया, हमसे बुखार से तरमल था, हमें वाले गया है तो बांसन हुआ है देखने लगे, देखते हैं वो भी लटक गया, दोनों लटक के हमको देखते हैं, गलम से था ठंडी वो भी उसका था, वो भी छीन लिया, हम अपनी हक हक करते हैं,
दिलारा को मारपीट करने लगा। हमारा बाप है वही, हम बोले कि जब उनसा के चार लड़का है, दो लड़की है, इसमें केस चल रहा है, टाइटल किए हैं हम, आप सब तो बेच बेच काफी वही करते हैं, बाप भी मर गया तो हमारे पास अल्लाह का दर दिया, हम भी क्रिया किए बाप को, आग दिया हम बड़ा है, तो सब पार्टी को बुलाइए, कोर्ट से डिसाइड कीजिए। हम बोले तो ना हम नहीं करेंगे, आपको मारेंगे, हमको मरने लगा बेटा। क्या नाम है आपका? मीरा देवी। डीलर कौन रिलेशन में आपके क्या? हाँ मेरा देवर क्या है। क्या नाम है उसका? दिलीप जी हैं, डीलर है, दिलीप डीलर। वो मूंग काट रही थी तो हम मेरी मम्मी गई देखने, तो काट रही थी मूंग, तो गई रोकने तो बोली हमको बोला है दिलीप डीलर ने कि मूंग काट लो, तो इतना में हम पहुँचे तो वहाँ पे खड़ा होकर वो कटवा रहा था, वो भी था दिलीप चाहे वो भी था, तो हम लोग गए तो हम लोग को ही मारने उड़ गया वो कि काहे तुम लोग काहे पड़ती यहाँ पे, हम लोग का गार्जियन नहीं था एक कोठो घर में, हम ही दोनों सास पुत होते हैं घर में। आप लोग के साथ भी मारपीट किया? हाँ हम लोग के साथ में मारपीट किया, देखते हैं चुरी उड़ी सब भांग गया है। क्या नाम है आपका? नीलम देवी। पति का नाम? उमेश प्रसाद साहब।